चीज़ें फैलाई जा चुकी हैं कि ये सब चीज़ें वो लड़कियां करती हैं जो बहुत ज़्यादा उड़ती हैं, या फिर ये सब चीज़ें वो लड़कियां करती हैं जो किसी लड़कों के चक्कर में हैं, ब्ला ब्ला, इतनी सारी चीज़ें हैं ना ये नेगेटिव सी जो फैला रखी हैं। और वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज़ माही। कैसे आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। और आज का जो हमारा वीडियो है थोड़ा सा डिफरेंट होगा कि मैंने मैंने आपके साथ ऐसी वीडियो कभी शेयर नहीं करी है कि मैं अपने कुछ प्राइवेट चीज़ें आपके साथ शेयर करूं। तो आज की वीडियो कुछ ऐसी होने वाली है, ये मेरी बहुत ज़्यादा प्राइवेट वीडियो है, मैं नहीं चाहती थी ये शेयर करना, क्रॉस फिंगर कि मेरे जो दुश्मन है वो इसको गलत वे में ना ले जाएं और इसको गलत तरीके से शेयर ना कर दें। मुझे बहुत डर भी लग रहा था इसे शूट करने से पहले, बट मैंने सोचा कि करना तो है ही, मैं यूट्यूबर और मुझे हर चीज़ शेयर करनी पड़ेगी आने वाले टाइम में। कुछ ऐसी चीज़ भी होंगी जो मैं ना चाहते हुए भी करूँगी। तो शुरुआत ऐसे ही कर देते हैं क्योंकि एक ना एक दिन तो करनी ही है ये सारी चीज़ें। तो हमारी आज की जो वीडियो है वो इस टॉपिक पे है कि हम अपने अंडर आर्म्स की जो हेयर है उनको कैसे रिमूव कर सकते हैं। एक डॉक्टर के पास अगर आप जाओगे तो वो डॉक्टर से अगर आपकी कोई पर्सनल चीज़ है तो उसको आप शेयर करोगे। मैं जब प्रेग्नेंट थी तो मुझे ऐसी चीज़ें फेस करनी हुई कि शायद मैं अपनी मम्मी से भी वो चीज़ें ना शेयर करूँ। वो लोग मुझे ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे थे तो मैं रो भी रही थी। एक टाइम पर ऐसा था कि मेरा जो अल्ट्रासाउंड था वो एक आदमी कर रहा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा शायनेस हो रही थी, मैं रोने लग गई कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि कभी ऐसी चीज़ें मैंने फेस नहीं की है कि मेरी बिना मर्जी के मुझे को टच कर रहा है, तो वो सब चीज़ें अच्छा नहीं लगता, बट करना पड़ता है एक मजबूरी के तहत। तो मैंने सारी चीज़ें सीख ली हैं अपनी लाइफ में। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि इन सब चीज़ों में कभी भी शर्माना नहीं चाहिए। आपका पीरियड आ रहा है, अगर आपको पैड खरीदने जाना है, आपको मेंस्ट्रुअल कप लेने जाना है, या आपकी कोई भी ब्रा की साइज़ है वो आपको नहीं समझ आ रही है, ये सारी चीज़ें एक ना एक दिन मुझे करनी ही है। और मैंने जब इन सब चीज़ों को पढ़ना सीखा और डॉक्टरों से पूछा तो समझ आता है कि ये सब चीज़ें किसी भी एंगल से गलत नहीं है। गलत काम गलत है लेकिन सही चीज़ें गलत नहीं है। अगर ये जब भगवान ने बनाई है, भगवान को शर्म नहीं आई बनाते वक्त, तो हमको क्यों शर्म आएगी भाई। जब हमारा पीरियड आता है, ब्लीडिंग होती है, तो इसमें शर्माने वाली क्या बात है, जब ऊपर वाले ने बनाया तो ठीक है ना। और जब हम बच्चे पैदा करते हैं तो वो हमारे उस ब्लड के थ्रू ही होते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यू आर नियर माई चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। और हेल्थ एंड हाइजीन की वीडियो की मैं अब शुरू करूँगी, बिकॉज एक ना एक दिन तो करनी ही है। जब हम कुछ बता रहे हैं अपने सब्सक्राइबर्स को तो फ़र्ज़ बनता है कि पूरी और सही तरीके से उनको समझाया जाए और कुछ अच्छी चीज़ें ही उनको बताई जाए। कुछ भी यहाँ पे मैं मिस अंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं करना चाहती हूँ, मैं सिर्फ डर निकालना चाहती हूँ आप लोगों से, लोगों के अंदर से, जो मेरे अंदर भी था एक टाइम पे। फिलहाल वो ख़त्म हो गया है क्योंकि मैंने समझा, कुछ चीज़ों को पढ़ा सुना, वीडियोज़ के थ्रू देखा, तो हाँ समझ आता है ये सब चीज़ें कुछ भी गलत नहीं है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। यू आर न्यू माय चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो हमारा वीडियो का जो टाइटल है वो आपने पढ़ लिया होगा कि अंडर आर्म्स के जो हेयर हैं, अनवांटेड जो हेयर है, उनको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास लॉकडाउन के पीरियड में वैक्स नहीं है, वीड नहीं है, या फिर कोई सोप नहीं है, और कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिन्हें डिफरेंट तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास वही चीज़ें हैं जो आपके घर में मैं यूज़ करते होंगे, या फिर आपके बड़े लोग, दीदी, या फिर आपकी मम्मा यूज़ करते होंगे, वही चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप मार्केट से परचेज़ करके लाओ तभी करोगी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ कि अगर इस रेज़र के अलावा, आप वीट के अलावा, या फिर कोई क्रीम के अलावा अगर आप वैक्स करवाते हो, विच इज़ वेरी वेरी नाइस थिंग, कि इससे एक महीने या 15 दिन तक बाल जो है वो नहीं आते हैं, स्वेट भी नहीं होता है, क्योंकि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो स्मेल की होती है, बहुत ज़्यादा और गंदी स्मेल आती है, वो हम खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो हमारे पास में कोई खड़ा पर्सन वो कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आपको क्या करना होता है कि हमें वैक्स कराने में काफ़ी पेन होता है, लेकिन मैं हमेशा रेगुलरली वेस पे सिर्फ और सिर्फ वैक्स कराती हूँ। जब भी सैलून जाती हूँ मैं घर पे भी नहीं करती, क्योंकि मुझे डर लगता है कि हमारे बॉडी के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, अगर यही कोई प्रॉब्लम हो जाए, फुंसी निकल आए, या फिर कोई जख्म बन जाए, ब्लीडिंग हो जाए, या फिर कुछ कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, जलन होनी शुरू हो जाएगी अगर हम कुछ भी गलत तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं तो ये हमारे प्राइवेट पार्ट जो है इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और उसके बाद मैं यहाँ पे हमेशा वैक्स ही आपको रिकमेंड करूँगी आने वाले टाइम में। जब भी लॉकडाउन खुलता है तो आप वैक्स कराएं, लेकिन अभी हम वैक्स नहीं करा सकते हैं तो हमारे पास क्या उपाय है। मेरे पास जो है मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मैंने परचेज़ किया था फ्लिपकार्ट से, मैंने मंगवाया था इसको,
ये एज अ रेजर की तरह काम करता है और इसमें जो ब्लेड लगा हुआ है वो आप ऐसा नहीं है कि एक दो बार यूज करने के बाद खत्म हो जाएगा, इसको आप कम से कम 10 से 12 बार यूज कर सकते हो अगर इसका आप ध्यान अच्छे से रखते हो। जैसे कि इसको आपने यूज किया तो जो आप इसको किसी भी क्लीन जगह उठा के रख दें जहाँ पे पानी ना हो, क्योंकि जो ब्लेड होता है ना, ब्लेड वो पानी की वजह से जंग खा जाता है और वो फिर वो दोबारा काम नहीं करने की हालत में आ जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ें दोबारा काम करें तो आप मेक श्योर करें कि इनको किसी भी ड्राई जगह पर रखें। यूज़ करने के बाद आप वीक में एक या दो बार यूज़ करते होंगे इन सब चीज़ों को, जो वैक्स नहीं करवाती हैं लड़कियां। हाँ, तो मैं इसे हफ्ते में 3 बार यूज़ करती हूँ अपने बिकने वाले एरिया पे, क्योंकि मैं वहाँ वैक्स तो करवा नहीं सकती। जनरली कोई भी लड़की वैक्स नहीं करवाएगी उस एरिया पे, तो मैं वहाँ वैक्स नहीं करवाती हूँ। मैं सिर्फ अंडरआर्म्स में वैक्स कराती हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं वैक्स कराने कहाँ जाऊँगी, बिकॉज सब सैलून बंद है, तो मुझे यही यूज़ करना पड़ेगा। और मैं ऑलरेडी इसे 2 से 3 बार यूज़ कर चुकी हूँ इस लॉकडाउन पीरियड में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो तो ऑलरेडी चल रहा है। मैं चाहती थी कि मैं आपके माइंड से कुछ गलत फहमी निकाल दूँ और अपने माइंड से भी निकाल लूँ आपके थ्रू, क्योंकि इन सब चीज़ों को लेकर हमारे समाज में बहुत ज़्यादा जो है गलत चीज़ें फैलाई जा चुकी हैं कि ये सब चीज़ें वो लड़कियां करती हैं जो बहुत ज़्यादा उड़ती हैं, या फिर ये सब चीज़ें वो लड़कियां करती हैं जो किसी लड़कों के चक्कर में हैं, ब्ला ब्ला। इतनी सारी चीज़ें हैं ना ये नेगेटिव सी जो फैला रखी हैं, और इन सब चीज़ों में शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप बड़े सिटी में जाके देखोगे तो डॉक्टर्स भी और अच्छी पढ़ी लिखी जो मैच्योर वुमेंस होती हैं वो सब आपको खुल के समझा सकती हैं। मैं एनवाई पी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा आई हुई है, और मैंने इसको 2 से 3 बार इस लॉकडाउन के पीरियड में कर भी लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी अभी अच्छे से क्लीन नहीं हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इसे अच्छे से क्लीन कर लूँ। जब तक वैक्स नहीं होगी तो ये अच्छे से क्लीन नहीं होंगी, लेकिन करना पड़ेगा फिलहाल इस वीट के थ्रू। तो मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ। ये वीट नहीं, रेजर है, और इसको कोई भी यूज़ कर सकता है, गर्ल्स और बॉय दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको ड्राई रहने दूंगी, और मैं यहाँ पे कोई भी साबुन यूज़ नहीं कर रही हूँ, कुछ भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो ये रेज़र है मेरे पास इतना अच्छा क्वालिटी का है कि इससे आपको बिल्कुल भी इचिंग और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन फिर भी मैं क्या करूँगी, फिर मैं जो ये बेबी जॉनसन्स का जो पाउडर है इसको यूज़ कर लूँगी थोड़ा सा, अगर किसी भी सूरत में थोड़ा सा पेन भी होता है तो वो नहीं होगा। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं बहुत ही हल्के हाथ से। इनको करना होता है और बहुत इजीली निकल भी जाते हैं, काफ़ी टाइम नहीं लगता है, क्योंकि मैंने इसको ट्राई किया अभी। इसमें ना आपको कोई साबुन यूज़ करने की ज़रूरत है और ना ही कोई अलग तरीके के जेल की ज़रूरत है कि हाँ वो लगाओगे तभी पेन जो है नहीं होगा। इससे आपको बिल्कुल भी पेन नहीं होता है। यू कैन सी, आप देख सकते हो मैं बोल भी रही हूँ और इसको यूज़ भी कर रही हूँ, तो काफ़ी इजी है ये यूज़ करने में। ऑल ओवर फिनिश, कुछ भी यहाँ पे हेयर जो है नहीं रह गए हैं, अनवांटेड जो हेयर होते हैं वो मेरे बिल्कुल भी नहीं रह गए हैं। तो हम कर लेते हैं हमारे सेकंड पर, लेकिन मैं उससे पहले क्या करूँगी, अभी मेरे पास कोई भी मॉइस्चराइजर जो है वो है नहीं है, तो मैं यहाँ पर यूज़ कर लेती हूँ बेबी जॉनसन्स का ये बॉडी लोशन। बेबी जॉनसन का बॉडी लोशन मैं फिलहाल यूज़ कर लेती हूँ एज ए क्रीम, क्योंकि इससे थोड़ी सी जो है मुझे ठंडक मिल जाएगी इधर। और तब तक इसको मसाज करते रहना जब तक कि ऑब्जर्व ना हो जाए। इससे क्या होता है कि हमें थोड़ा सा रिलैक्स फील हो जाता है, ऐसा नहीं लगता, हार्श नहीं लगता है। वो कहते हैं ना कि जब आप बाल रिमूव करते हो तो छोटे छोटे जो बारीक बाल होते हैं वो चुभने लग जाते हैं, तो इससे वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे और हार्श नहीं लगेंगे। तो मैं अच्छे से इसको जो है अपने पूरे अंडर आई, बस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा वो ये होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत जो है मेरा उल्टा हाथ है, तो मुझसे होने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो मैं करके देख लेती हूँ फिर भी। गोइंग वेरी इजी, वाओ नाइस। तो ये रेज़र, इस तरीके की रेज़र अगर आपके पास नहीं है तो आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हो। कैमरा आई डोंट नो फोकस क्यों, मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा पाउडर लगा लेती हूँ। कैमरा फोकस नहीं कर रहा इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। और इसको थोड़ा सा आप क्लीन कर लेना जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो।
काफ़ी इजी आप इनको रिमूव कर सकते हो इसके थ्रू। अगर आप वैक्स करवाते हो तो उससे अच्छा कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। तो यहाँ से मेरे जो अनवांटेड हेयर थे वो पूरी तरीके से रिमूव हो चुके हैं, और मैं यहाँ पे लोशन यूज़ कर लेती हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि थोड़े से जो है इस लॉकडाउन में आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो कम हो, तो आप एक काम कीजिएगा, इस तरीके से कोई भी जो रेज़र है उसको आप वीक में 3 से 4 बार यूज़ कर लें। और अगर आप वैक्स कराती हैं तो फिर लॉकडाउन खुलने का इंतज़ार कर लीजिए, उससे काफ़ी अच्छा होता है। वैक्स से अच्छा कोई और ऑप्शन नहीं है मेरे हिसाब से सकता है। और काफ़ी इजीली इसने रिमूव किया, आपने अभी देखा अपनी आंखों के सामने। सो और गाइस, अगर आप वैक्स कराती हैं तो उससे अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है। और गाइस, मेक श्योर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो नीचे लाइक का जो बटन है उसको लाइक कर देना, और उसके बराबर में थोड़ा सा यहाँ पे जाके एक रेड सब्सक्राइब का जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर देना, जब तक वो ग्रे हो जाएगा। उसके बराबर में जो घंटे का बटन है उस पर भी आप क्लिक कर देना, मेरी आने वाली वीडियोज़ जो है उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, किसी से भी आप जो है वंचित नहीं रहेंगे कि आपको कोई वीडियो देखने को ना मिले। सो थैंक यू सो मच, मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।